ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਕਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਪੁਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਣਾਅ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 14ਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ के लिए मैं आपको दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं एक तो है जो कोविड से पहले है उसमें वैसे जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो उनको हार्ट अटैक्स वगैरह थोड़े जल्दी आते हैं 15 साल पहले आ जाते हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन से लेकिन कोविड के बाद जो है कोविड के बाद जो नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये डाटा बहुत सारा सामने आया है जिसमें कि 25 से लेकर 44 साल की उम्र में जितने यंगस्टर्स हैं उनको सडन कार्डिक अरेस्ट होके मतलब अचानक उनकी मौत होने के समाचार आ रहे हैं और जो उनका रिस्क है वो भी दो तरह के भागों में डिवाइड कर सकते हैं जो जिनको कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी उनका तो रिस्क ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ गया और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी कोविड की वजह से उनका रिस्क जो है ऑलमोस्ट 118 टाइम्स बढ़ गया और उसकी वजह से जो है यंग जनरेशन में हो रहा है हमने 2011 में एक कार्डियोमर्जिन करके ग्लोबल ट्रस्ट स्टार्ट किया था तो उसका पर्पज़ ये था कि हम लोगों में अवेयरनेस दिलाएं कि 80% हार्ट डिजीज़ जो है वो प्रिवेंटेबल है लेकिन लोग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते और जब वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तभी हॉस्पिटल में आके फिर इलाज करते हैं तब तक फिर उनको या तो स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है या बाईपास की ज़रूरत पड़ जाती है तो प्रिवेंशन को भी उतना ही उचित स्थान देना है और अनकन्वेंशनल मेथड को भी उतना स्थान देना है उसके लिए हमने कार्डियोमर्जन का मतलब है कार्डियो मींस हार्ट और मर्जन मींस सारे जितने स्पेशलिटीज़ हैं उनको मर्ज करके हम इकट्ठे मिलके अगर टीम वर्क से करें हमारा जो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमको अपने रिस्क फैक्टर जो है अर्ली एज से मालूम करने चाहिए कि हमारे अपने ज़िंदगी में क्या रिस्क फैक्टर हैं और उनको अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज तक पहुँचे ही ना हम बीमारी हम में हो ही ना उससे हम बीमारी का ऑनसेट को डिले कर सकते और उसके बाद अगर हो भी जाए तो उसको प्रॉपरली अगर ट्रीट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी तो हमारे को इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो एक टीम अप्रोच से हमको प्रॉपरली जो भी बेस्ट है हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको रोबोटिक ही कराना है या हमको मिनिमल इन्वेसिव ही कराना है या हमको सर्जरी कराना ही नहीं है स्टंटिंग ही कराना है ऐसा नहीं है जो बेस्ट आपके लिए सूटेबल है वो टीम डिसाइड करेगी और उसको आपको करना चाहिए उसके बाद भी अपनी ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल थ्रू आउट आपको कंट्रोल करना चाहिए ताकि आपका लाइफ स्पैन भी बढ़े और आपका हेल्थ स्पैन भी बढ़े।